यहाँ पर लगभग पहले 108 मंदिर हुआ करते थे, उनमें से जो सारे मंदिर है वो लगभग अब खंडरों के रूप में तब्दील हो चुके हैं। कुछ एक मंदिर और जो है अभी यहाँ सुरक्षित है, लेकिन उनकी मूर्तियाँ सुरक्षित नहीं है। सिर्फ ये जो गोराची का मंदिर है यही मात्र सुरक्षित यहाँ पर है। ये गोराची का मंदिर है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर संरक्षित है। मित्रों, यहाँ पर पूरा एक शहर बसा हुआ था पहले जो हुआ करता था, और ये जो शहर है मंदरगढ़, ये राजधानी हुआ करता था। मित्र, ये देखो ये खंडर नजर आ रहे हैं। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, यहाँ कभी महल हुआ करता था, और जो राजा जो होते थे वो इसी महल में रहते थे, और यहीं से अपना पूरा शासन वो चलाते थे। और ये अब सिर्फ खंडर ही यहाँ पर शेष है। मित्रों, ये पीपल का पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये पीपल का पेड़, ये भगवान भोलेनाथ यहाँ पर है, विराजमान है। शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और ये जो पीपल का पेड़ है, ये देखो आप क्या कर रखा है इसने। ये यहाँ उड़ा है, यहाँ खड़ा है। ये शिवलिंग है, ये पूरा भगवान शिव का शिवलिंग है। और ये पीपल के पेड़ की जड़ है, ये देखो आप, ये पीपल के पेड़ की जड़ है। ये चारों तरफ भगवान भोलेनाथ के इस तरह जो इसने कुंडली बनाई हुई है, जिसे जो नाग भगवान के गले में हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार से इसने अपनी जड़ों को इस प्रकार से लपेटा है। और सबसे बड़ी जो बात वो ये है, इस पीपल के पेड़ की जो विशेषता वो यह है कि ये इसकी जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, लगभग मुश्किल से 2 फीट इसकी ऊंचाई है। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो 2 फीट का जो पीपल का पेड़ है, इसकी उम्र लगभग 50 वर्ष से भी ज़्यादा है। 50 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना मित्रों ये पीपल का पेड़। मित्रों, मंदिरगढ़ में जो 108 मंदिर होने का जिक्र जो मैं आपसे कर रहा था, उनमें से एक मंदिर ये भी है। ये देखिए आप, भगवान चार भुजानाथ का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और इस प्रकार से ऐसे ही मंदिर इस जो मंदरगढ़ जो नगर हुआ करता था, इसमें 108 मंदिर हुआ करते थे मित्रों, जिनमें से अभी जो बहुत ही कम मंदिर सुरक्षित यहाँ पर बचे हुए हैं। मुश्किल से 7-8 मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, सारे खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो खंडर जो नज़र आ रहे हैं, ये सब यहाँ पर मकान हुआ करते थे। कालांतर में यहाँ पर लोग कभी रहा करते थे, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इस जो नगर में लोग रहते थे। तो ये जो नगर है, ये कोई छोटा मोटा साधारण नगर नहीं था, ये राजधानी हुआ करता था, जिसमें यहाँ पर जो राज परिवार के लोग हैं, वो जो नीचे मैंने आपको दिखाया, जो राजमहल के खंडर आपको दिखाए, वहाँ पर राजमहल के लोग रहा करते थे। ये देखिए मित्रों, ये सब जो मकान के खंडर है, ये जो इस प्रकार से, और ये जो मंदिर देख रहे हैं, कभी यहाँ पर जो कालांतर में भगवान चतुर्भुजनाथ की प्रतिमा हुआ करती थी, और यहाँ पर जो शंख झालर और घंटों की आवाज़ सुबह शाम सुनाई पड़ती थी मित्रों। और जब कल्पना करो, जब 108 मंदिरों के जो घंटे और शंख झालर एक साथ बजते होंगे, तो किस प्रकार की यहाँ पर जो वो शाम रहती होंगी, किस प्रकार की सुबह यहाँ पर रहती होंगी। और यहाँ पर पूरा जो आध्यात्मिक जो
माहौल एक तरह से बनता होगा, तो जो शांति उसके बाद यहाँ पर लोगों को मिलती होगी वो उसकी कल्पना जरूर हम कर सकते हैं मित्रों।